क्लास नाइन का कंस्ट्रक्शन देखिए, 14 नंबर, 14 नंबर का जो चैप्टर नंबर 14 जो है कंस्ट्रक्शन है, हम लोग का दो कंस्ट्रक्शन था, तो एक तो उस साइड हो चुका, अभी जो जा रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में 14 नंबर चैप्टर में जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यानी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, प्रीतम वाला, प्रीतम जो ड्रॉ किया था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ किया था, जिसमें ए बी का दे दिया 5 सेंटीमीटर है, बी सी का 6 सेंटीमीटर है, और सी डी जो हम लोग दिए हैं 4 सेंटीमीटर, तो डी ए कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग को एंगल भी दे दिया कि ए बी सी जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। तो आप ड्रॉ करिए ट्राइंगल विथ इक्वल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये जो आप एरिया है वो भी देखिए दोनों ऐसे करो। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लेंगे, फिर हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, फिर हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, फिर हम 3 सेंटीमीटर लेंगे, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, डी ए सी डी, और 5 सेंटीमीटर में होगा ए और बी, तो 3 सेंटीमीटर में डी ए, 4 सेंटीमीटर में सी डी, 5 सेंटीमीटर में ए बी। अब हम यहाँ 6 सेंटीमीटर एक लाइन लेंगे, एक लाइन खींचेंगे, वी का होगा, वी आपको कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब 6 सेंटीमीटर लेने के बाद अब हम अपने हिसाब से कंपास को खोल कर 11 बजे छुट्टी होगा, देख लीजिएगा, हाफ सर्कल बना देते हैं और फिर कंपास को बगैर हिलाए यहाँ पर काट देंगे। अब हम यहाँ इसको लाइन खींच देते हैं, अब हम फिर इसका नाम बी और इसका नाम सी और इसका ए अभी हम लोग देते हैं जी। अभी हम इसमें 5 सेंटीमीटर नापेंगे जी जी जी। ओ अच्छा, ये लीजिए आप कॉल किए, 5 सेंटीमीटर को बी पर रख कर हम लोग इधर काट देंगे। अब इसका नाम हो गया ए, अब फिर हम 3 सेंटीमीटर लेंगे और 3 सेंटीमीटर को ए पर रखकर इस तरह से काट देंगे और फिर अब हम फिर से 4 सेंटीमीटर कंपास से नाप लेते हैं और सी पर रखकर काट दिए। अब हम बीच में डॉट देकर ए को इस वाले से मिला देते हैं। अब हम इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करके खींच देते हैं और फिर इस वाले को इस सी से मिला देंगे। अब हम
3 सेंटीमीटर को कंपास से नाप लेंगे और सी पर रखकर काट देंगे। और फिर अब हम 6 सेंटीमीटर नाप कर और ये हमारा हो जाता है डी, और इस डी पर रखकर हम इसको काट देंगे। अब हम इसको डी को इस वाले से मिला देंगे। ये हमारा हो जाएगा ई, और अब हम ए को सी से मिला देंगे। और फिर अब हम स्केल से ए को इस वाले से मिला देंगे। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट।